गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पायल्स वर्ल्ड। तो आज मैं एक फेशियल करने वाली हूँ एंड वो है VLCC का एंटी टेंट फेशियल किट। मैं इसकी फेशियल करने वाली हूँ। सो आप लोग सोच ही रहे होंगे कि मैं विदाउट मेकअप में क्यों हूँ। सो आपको बता दूँ, एक स्किन केयर वीडियो है और अभी मेरा स्किन पूरा क्लीन है और कोई भी मेकअप नहीं है मेरे स्किन पे। मैं इस फेशियल किट का डेमो एंड रिव्यू दोनों देने वाली हूँ और एक छोटू सा रिव्यू देख लीजिए, देन मैं स्टार्ट करूँगी फेशियल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है VLCC का एंटी डेंट फेशियल किट और इसका अंदर कुछ इस तरह की है। ये ट्यूब में आता है, इस तरह की 6 ट्यूब है इसमें और ये किट दो लोग भी यूज़ कर सकते हैं। इसका पैकेजिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ट्यूब में आता है सो अच्छा ही है। और पैकेट की बैक साइड में कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो फॉलो करके आप कर सकते हो। और इसका प्राइस है 250 और इसका शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स। और इस फेशियल किट का फर्स्ट स्टेप है क्लींजर कम टोनिंग, देन सेकंड है ओट मिल्क स्क्रब एंड थर्ड स्टेप है मेल वाइट जेल एंड फोर्थ स्टेप है पिस्ता मसाज क्रीम एंड फिफ्थ स्टेप है पैक, देन लास्ट में है मॉइस्चराइजर जेल। देन सभी ट्यूब का बैक साइड में कितना टाइम तक मसाजिंग करना है इंस्ट्रक्शन दिया है। फर्स्ट मैं एक फेशियल बैंड लगा लूँगी, देन फेशियल करना स्टार्ट कर लूँगी। फर्स्ट स्टेप जो है क्लींजर कम टोनर अप्लाई कर लूँगी। बस थोड़ा ही लेके फेस पे मसाज करना है और तब तक करना है जब तक स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। एंड सर्कुलर मोशन में इस तरह से मसाजिंग करना है। स्किन में एब्जॉर्ब होने के बाद उसी को वाइप आउट कर देना है अच्छे से। और ये हिमालय का बेबी वाइप है और ये श्रीनिका का था, मैंने यूज़ कर लिया। देन अच्छे से वाइप आउट करने के बाद सेकेंड स्टेप जो है स्क्रब वो करना है, जिसमें है ओट मील और इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत ही अच्छा है और मैं इसे टोनर लगाने के बाद ही यूज़ करूँगी क्योंकि स्क्रब वेट फेस पे ही करना चाहिए। देन इस स्क्रब को 3-4 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करना है कुछ इस तरह के। और हाँ गाइस, स्क्रब ज़्यादा ज़ोर से करना नहीं है, हमें स्लो मोशन में ही करना है। बस मेरा वीडियो थोड़ा सा स्प्रीड कर दिया इसीलिए आपको ऐसा स्प्रीड में ही नज़र आ रहा है। एंड इसे लगाने के बाद कुछ कूलिंग सा फीलिंग हो रहा है फेस पे और कुछ इस तरह से मसाज करना है हमें। मसाज करने के बाद देन फिर से मैंने वाइप आउट कर दिया, आप चाहे तो पानी से भी धो सकते हो।
स्टेप है वो है जेल। देन जेल से भी अच्छे से मसाजिंग कर लेना है पूरे फेस पे, और ये जेल जब तक एब्जॉर्ब ना हो जाए स्किन पे पूरी तरह से तब तक करना है हमें। पूरी तरह से स्किन पे एब्जॉर्ब हो गया वो जेल। देन हमें करना है फोर्थ स्टेप जो है पिस्ता मसाज क्रीम, उसी का ऊपर ही हमें लगाना है। और हाँ गाइस, जो जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसी को ही मैंने फॉलो करके पूरा फेशियल किया है। देन इस क्रीम को 5-10 मिनट्स के लिए हमें इस तरह से मसाज करना है अच्छे से। फिर से वाइप आउट कर देना है। ये जो फेशियल किट है ये टैंट रिमूवल यानी सन्स के वजह से जो हमें काले धब्बे हो जाता है फेस पे वही रिमूव करने में ये यूज़ होता है। और आप देख ही सकते हो कितने अच्छे से मेरे फेस से टैनिंग रिमूव कर दिया और फेस कितना क्लीन सा लग रहा है अब। देन फिफ्थ स्टेप जो है पैक, वो अच्छे से लगा लूँगी अपने फेस पे। और ये पैक थोड़ा सा ड्राई होता है, आप ये देख ही सकते हो कि निकल नहीं रहा है बाहर। और थोड़ा सा टोनर मिला के मैं इसे अपने फेस पे यूज़ कर लूँगी। इस पैक को 10 या 15 मिनट तक लगा के छोड़ देना है। और ड्राई होने के बाद
इसे मैं वाइप आउट कर लूंगी कुछ इस तरह से। लास्ट स्टेप जो है ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर जेल, वो मैं अप्लाई कर लूँगी। और ये फेशियल किट की जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी वो है इसके साथ जो VLCC का मॉइस्चराइजर जेल भी देता है। अलग से आपको मॉइस्चराइजर यूज़ करना नहीं होता है। मुझे कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है कि ये फेशियल किट कैसा है, आप खुद ही देख पा रहे हो कि कितना इफेक्टिव फेशियल किट है ये। और ये मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और इसका जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मुझे जो लगता है ये किट दो लोगों के लिए ही है, और मुझे तो ये किट पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हो, एक बार ट्राई कर सकते हो ज़रूर। और इसका जो मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आया जो है स्क्रब, इसका स्क्रब में जो कि छोटा छोटा दाना दाना होता है ना, वो शायद कम है। सो ओवरऑल मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा इसे छोड़ के। और अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगा, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन प्लीज़ एक लाइक कर देना, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। सो फिर मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू गाइस।